हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? अच्छे हो सब? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक चेंजओवर, जो कि ग्रिड सोर्स और जनरेटर सोर्स के बीच में रहेगा। वो हम अपने घर में बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल स्टेप है। उसके लिए क्या क्या लगेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें लगेंगे दो कॉन्टैक्टर, जो कि 230 वोल्ट के लिए यूज़ कर 230 वोल्ट वाले यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो कॉन्टैक्टर के बाद हमें लगेगा एक रिले और एक रिले होल्डर। मैं इसमें रिले यूज़ कर रहा हूँ, 14 पिन रिले। आप 8 पिन रिले भी यूज़ कर सकते हैं, 230 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अलग अलग टाइप से आते हैं, लेकिन अभी मैं 230 वोल्ट का 14 पिन रिले यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था, ठीक है। और इसके साथ ये होल्डर है, इसमें होल्डर माउंट होता है, ठीक है। उसके बाद लगेंगे 2 से 3 MCB। 2 MCB इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा एक ग्रिड सोर्स और एक जनरेटर सोर्स, दोनों अलग अलग सोर्स बनाने के लिए 2 MCB लगेगा। और 1 MCB मैं यूज़ करेंगे सिंगल फेज सप्लाई करने के लिए, नहीं भी यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लगेंगे इंडिकेटर्स आउटपुट शो करने के लिए, और कुछ वायर्स लगेंगे। काफ़ी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले जिनको रिले के बारे में नहीं पता, उसके रिले बता देता हूँ। रिले में क्या होता है, ये 14 पिन रिले है, मैं 14 पिन रिले के बारे में बताऊँगा, बाकी अलग अलग रिले के हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक है। 14 पिन रिले में क्या होता है, 2 पिन जो रहता है उसका रिले का कॉइल का रहता है, जो रिले को कॉइल को चार्ज करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। दो पिन इसमें पिन नंबर 13 और 14 जो है कॉइल का पिन है, ठीक है। पिन नंबर 13 और 14 में हम अगर सप्लाई देंगे तो इसका कॉइल चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके ये अपने आप को ऑपरेट करेगा। बीच में बचे 12 पिन, 12 पिन में 4 इनपुट रहेंगे, उसमें से 4 इनपुट रहेंगे, बचे 8 आउटपुट रहेंगे। 8 आउटपुट कैसे रहेंगे, 1 इनपुट का 2 आउटपुट रहेगा। जैसे 1 इनपुट है उसका 2 आउटपुट किस तरह रहेगा, 1 इनपुट का 1 NC टर्मिनल रहेगा, 1 NO टर्मिनल रहेगा, मतलब एक नॉर्मली क्लोज रहेगा, एक नॉर्मली ओपन रहेगा। जब रिले ऑपरेट होगा तो NC NO हो जाएगा, NO NC हो जाएगा। अभी मैंने इसमें कौन कौन सा पिन यूज़ करूँगा, मैं इसमें यूज़ करूँगा पिन नंबर 10 और 6 NO के लिए, जिसमें हमें ग्रिड सोर्स का फेस दूंगा, जो कि NO बाद में जब ग्रिड सोर्स आएगा इसमें तो NC हो जाएगा। और जनरेटर सोर्स में प्रोवाइड करूंगा NC टर्मिनल में 12 और 4 के बीच में, जो कि NC रहेगा। जो इसमें रिले चार्ज होगा तो वो NO हो जाएगा। ऑपरेट कैसे करेगा, देखिए, जैसे मैंने पिन नंबर और 13 और 14 में फेस दिया, फेस देने के बाद ये रिले ऑपरेट होगा, NC को NO कर देगा, NO का NC हो जाएगा। 10 और 6 के बीच में मैं NO टर्मिनल यूज़ करूंगा, जैसे ही वो ऑपरेट होगा तो NC बन जाएगा, तो वो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा। और जो NC था 12 और 4 वो NO हो जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा। अभी वो बस यही सब यूज़ करके सर्किट समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ऑफ करता हूँ, आपको समझ में आए, ठीक है। तो आइए मैं सर्किट कनेक्शन करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्किट करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद मैं वीडियो चालू करता हूँ। सर्किट कनेक्शन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 3 MCB का यूज़ किया है, ये 3 MCB लगा हुआ है, एक रिले है और 2 कॉन्टैक्टर है, और ये कुछ इंडिकेटर लगाए हुए हैं आउटपुट शो करने के लिए, ठीक है। अभी ये MCB नंबर 1 जो है, ये हमारा ग्रिड सोर्स के लिए, ग्रिड सोर्स जाएगा इसमें से, ठीक है। MCB नंबर 2 में भी ग्रिड सोर्स का यूज़ किए हैं, और MCB नंबर 3 है हमारा जनरेटर सोर्स, MCB 3 जनरेटर सोर्स, MCB 2 है ग्रिड सोर्स, ग्रिड फेस दिया है, ग्रिड का एक फेस दिया हुआ है उसमें, और ये हमारा जो MCB नंबर 1 है, ये हमारा ग्रिड का सोर्स है, गवर्नमेंट पावर जो आएगा, ठीक है। अभी रिले में कैसे कनेक्ट किए हैं वो देखते हैं। जो हमारा MCB नंबर 1 में आउटपुट निकलेगा, जो हमारा ग्रिड सोर्स से फेस आएगा, एक फेस और एक न्यूट्रल हम रिले का कॉइल चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसमें से हम पिन नंबर 13 और 14 में कनेक्ट किए, जिससे हमारा रिले का कॉइल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और एक फेस हमने डायरेक्टली रिले के इनपुट में दिए हैं पिन नंबर 10 में, जिसका NO टर्मिनल है हमारा पिन नंबर 6, ये रेड वायर देख सकते हैं, ये पिन नंबर 6 से निकाले, ये 10 to 6 NO है, नॉर्मली ओपन रहेगा। जैसे ही हमारा कॉइल चार्ज होगा रिले का, वो NC बन जाएगा, ठीक है। और हमारा जो ये जनरेटर का सोर्स है, उसका हमने जनरेटर के सोर्स का एक इनपुट लगाए हैं पिन नंबर 12 में, जिसका आउटपुट निकाले हैं पिन नंबर 4 से, वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा, हमारा NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। हमने ग्रिड का एक फेस कनेक्ट किया, वो NO में है, और जो जनरेटर का फेस एक कनेक्ट किए हैं, वो NC में कनेक्ट किए हैं आउटपुट से, ठीक है। अभी कैसे काम करेगा वो देखते हैं। अभी ये देखिए, ये जो आउटपुट निकाले हैं, उसे ये जनरेटर का कॉन्टैक्टर है, और ये हमारा ग्रिड का कॉन्टैक्टर है, ये आउटपुट के लिए, ग्रिड के आउटपुट के लिए लगाए हैं,
इंडिकेटर और ये ग्रिड के जनरेटर के आउटपुट के लिए इंडिकेटर लगाए हुए हैं। अभी इसे ऑन करके देखते हैं। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। ये जो इंडिकेटर हमें बताएगा कि जनरेटर हमारा ऑन है या ऑफ है, ठीक है। ऑन होएगा तो जनरेटर ऑन है, ऑफ होगा तो जनरेटर ऑफ है। ये जो इंडिकेटर है हमें बताएगा कि हमारा ग्रिड का पावर आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये इंडिकेटर है हमारा बताएगा जनरेटर का आउटपुट, ठीक है, जनरेटर का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी चेक करते हैं। पहले मैं ग्रिड का पावर ऑन करूंगा, ग्रिड का पावर ऑन करूंगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर जनरेटर ऑन करूंगा मैं तो जनरेटर ऑन रहेगा, जब तक ग्रिड का पावर इसमें रहेगा तब तक हमारा जनरेटर का आउटपुट नहीं आएगा। जैसे ही मैं ग्रिड का पावर ऑफ कर दूंगा तो ग्रिड का आउटपुट ऑफ हो जाएगा और जनरेटर का पावर आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ऑन करते हैं। अभी ये कॉन्टैक्टर थोड़ा लूज कनेक्शन है, टेस्ट करने में थोड़ा आवाज़ कर रहा है तो थोड़ा साउंड आएगा। देखिए अभी मैंने ग्रिड का पावर ऑन कर दिया तो हमारा ग्रिड का आउटपुट ऑन हो गया। अभी साइमल्टेनियसली अभी मैं जनरेटर ऑन करता हूँ तो देखते हैं जनरेटर का आउटपुट आता है या नहीं आता है। ये देखिए जनरेटर तो ऑन हो गया हमारा, लेकिन जनरेटर का आउटपुट नहीं आया, हमारा ग्रिड का आउटपुट है। अगर मैं ग्रिड का सोर्स ऑफ करता हूँ, अगर हमारा पावर चला जाता है, ग्रिड का सोर्स ऑफ हो जाता है तो जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जनरेटर का आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे आउटपुट में। देखते हैं। देखिए अभी मैंने ग्रिड का पावर ऑफ कर दिया, ग्रिड का पावर कट कर दिया तो हमारा जनरेटर ऑन है, जनरेटर का आउटपुट ऑन हो गया। अगर फिर हमारा जनरेटर तो अभी ऑन है, जनरेटर का आउटपुट लोड पे तो चल रहा है हमारा, अगर फिर हमारा पावर आ जाता है तो हमारा जनरेटर का आउटपुट हमेशा ऑटोमेटिकली कट हो जाना चाहिए। तो अभी हम ग्रिड का पावर ऑन करेंगे और देखेंगे ग्रिड का पावर ऑन होता है और जनरेटर का पावर कट होता है। तो देख सकते हैं अभी ग्रिड का आउटपुट तो ऑन हो गया लेकिन जनरेटर का आउटपुट कट हो गया, लेकिन जनरेटर तो ऑन है हमारा, जनरेटर को हमें ऑफ करना पड़ेगा। अभी जनरेटर को हम मैनुअली जाके ऑफ कर देंगे, बस सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आइए अभी हम अपना सर्किट डायग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिले, 14 पिन रिले, ये हो गया हमारा रिले 14 पिन, ओके। उसमें हम देंगे इनपुट पावर सप्लाई जो कि 13 और 14 नंबर के पिन में देंगे। 13 और 14 नंबर के पिन जो है हमारा रिले का इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे एक MCB कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ देंगे फेस, यहाँ देंगे न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल जो कि MCB नंबर 1 से देंगे। ये जो टर्मिनल रहेगा हमारा ये रिले का कॉइल चार्ज करने के लिए रहेगा टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद एक फेस देंगे हम रिले के NO टर्मिनल में, सॉरी यहाँ एक MCB लगाएंगे 2, यहाँ देंगे हम रिले के NO टर्मिनल में जो कि पिन नंबर है 10 और 6। ये मैंने 10 और 6 यूज़ किया, आप दूसरा भी पिन नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा फेस, यहाँ पे भी आएगा फेस, लेकिन ये नॉर्मली ओपन रहेगा, ठीक है। ये हमारा है पूरा ग्रिड सोर्स, ग्रिड सोर्स, ओके। और एक फेस देंगे हम अपना, एक सोर्स दूसरा देंगे जो है हमारा जनरेटर का सोर्स जो MCB 3 से देंगे, उसे देंगे हम रिले के NC टर्मिनल में जिसका पिन नंबर है 12 और 4। ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फेस का आउटपुट निकलेगा, जनरेटर है, जनरेटर सोर्स, जनरेटर सोर्स, ओके। उसके बाद इसे कनेक्ट कर देंगे हम अपने कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल और A2 से न्यूट्रल कनेक्ट करके बाहर निकाल देंगे। ग्रिड में जाएगा न्यूट्रल, ग्रिड का न्यूट्रल निकलेगा, ओके। और ये फेस आया जनरेटर का और A1 में, और A2 से निकलेगा हमारा न्यूट्रल जो कि जनरेटर में चला जाएगा। ये हो गया हमारा जनरेटर न्यूट्रल। अभी फंक्शन कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने ये MCB ऑन किया तो ये पावर यहाँ से
फ्लो शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये कॉइल चार्ज कर देगा। अभी ये टर्मिनल हमारा NO है और ये टर्मिनल NC है 12 और 4 के बीच में, तो ये NC अज्यूम कर लेते हैं, ये NC है। अभी जनरेटर हमारा ऑफ है तो यहाँ से पावर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने कॉइल चार्ज किए तो ये कॉइल चार्ज हो गया, तो ये NO की जगह NC हो जाएगा, NC की जगह NO हो जाएगा। तो अभी ये NO की जगह NC हो जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये NC की जगह NO हो जाएगा। अभी करंट कैसे फ्लो होगा हमारा, ये तो कॉइल चार्ज हो गया, ये करंट इस तरह फ्लो होगा हमारा, ये ऐसा आएगा और ये कॉन्टैक्टर को चार्ज कर देगा, ये कॉन्टैक्टर हो जाएगा ऑन। कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो इनपुट लोड के इनपुट में हमने सप्लाई दी है सिंगल फेज फेज न्यूट्रल, और यहाँ से आउटपुट जो इंडिकेटर कनेक्ट किए हैं फेज न्यूट्रल, ये ऑन होके आउटपुट मिल जाएगा अपने को, आउटपुट ये इनपुट है। तो इस तरह हमारा ये कॉन्टैक्टर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा जनरेटर तो ऑफ है, अभी हमारा सोर्स यहाँ पे भी सप्लाई नहीं आ रहा। अगर हम जनरेटर ऑन करते हैं, यहाँ पे जनरेटर अगर हमने ऑन कर दिए तो ये पावर हमारा यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ तक रुक जाएगा, इसके आगे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन हो गया है। अभी ये नॉर्मली ओपन हो गया क्योंकि ये चार्ज है, कॉइल चार्ज रहेगा तब तक ये ओपन रहेगा। जैसे ही हम ये डिस्कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई, तो ये फिर से ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा तो हमारा करंट फ्लो यहाँ से करंट फ्लो शुरू होने हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, बस यही फंक्शन है। फिर जिस तरह फिर दोबारा अगर पावर आता है हमारा, पावर आ जाएगा तो फिर यहाँ से कॉइल चार्ज होगा, ये नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, फिर हमारा करंट यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर 1 ऑन हो जाएगा और कॉन्टैक्टर 2 ऑफ हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल है, थैंक यू। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, अगर आपका कुछ सजेशन है तो मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं न्यू बनाते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखना, मेरे शुक्र का जवाब है, याद रखना, बाय।